अस्सलामु रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई विल हैव लेक्चर नंबर 4 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इन दिस लेक्चर वील सी अ कंट्रैक्शन, सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज, प्रोनंसिएशन ऑफ सम वर्ड्स और आइटम्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, एंड एट द एंड वील हैव एन असाइनमेंट। So let's start the lecture. Today's contraction is gata, and it is also pronounced as gara. Gata or gara. This contraction has been derived from have got to. Lately it was also used as got to. So today's contraction which we are gonna use is gata. गाटा का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो हमें करना ही करना है, जो हमने लाजमी करना है, जिसके करने में कोई शक नहीं, जिसके किए बगैर कोई गुंजाइश नहीं, उसके लिए गाटा आएगा। जैसे आई गाटा गो राइट नाउ, मुझे अभी जाना है। आई गाटा गो राइट नाउ, मुझे अभी जाना है। अफरीदी गाड़ा प्ले फास्ट, अफरीदी गाड़ा प्ले फास्ट, अफरीदी को तेज़ खेलना है वरना स्कोर चेज नहीं होगा। अफरीदी गाड़ा प्ले फास्ट। वी गाड़ा लिव, हमें ज़िंदा रहना है। कोरोना वायरस है, हम बाहर नहीं जा सकते, सो हमें अंदर ही रहना है। बिकॉज़ वी गाड़ा लिव, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है, वी गाड़ा लिव। सो ये आज की हमारी कंट्रैक्शन थी। ये गाड़ा, गाड़ा इसलिए यूज़ होता है जो काम हमें हर हाल में करना ही करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गारा। उसके बाद सम सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़, चूँकि हम प्रोनंसिएशन, ब्लास्टिंग साउंड्स और कंट्रैक्शन से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हैं, तो इसलिए हमने डेली यूज़ के सेंटेंसेस शुरू कर दिए हैं। तो नेक्स्ट डेज में हम इनसे एडवांस सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। यहाँ किस चीज़ की कमी है? वस लेकिन है, वाट इज़ वस? एल ए सी के आई एन जी, जी नॉर्मली आई एन जी के साथ जी कम ही पढ़ते हैं। लेकिन है, बस लेकिन है, आपको बस मेरा ये पैगाम पहुंचाना है। ऑल यूव, यू हैव, यूव, यू हैव को पढ़ेंगे यूव। ऑल यूव टू डू, ऑल यूव टू डू इज़ टू कन्वे माई मैसेज। मैं तुम्हारा इंतज़ार ही करता रहा। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू, आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू, आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू। तुम बात करने के लायक नहीं, यू डोंट डिज़र्व टॉकिंग, यू डोंट डिज़र्व टॉकिंग। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई वोंट स्पेयर यू। वो कभी भी आ सकता है, ही मे कम एनी टाइम। ये कभी भी टूट सकता है, दिस माइट बी ब्रोकन एनी टाइम। एनी टाइम यहाँ स्किप हो गया लिखते हुए, ये इन पेज से यहाँ लाते हुए एनी टाइम कहीं स्किप हो गया। ये कभी भी टूट सकता है, दिस माइट बी ब्रोकन एनी टाइम। कौन शुरू करेगा? हुल हैव अ गो, हुल, Who will? Who'll? Who'll have a go? Who'll have a go? Have a go? Who'll have a go? बेहतर होगा, गा, ये अलिफ यहाँ स्किप हो गया। बेहतर होगा मेरी जगह छोड़ दें। You'd, you would or you had, it will be pronounced as you'd. बैठा, you'd बैठा, leave my seat. You'd बैठा, leave my seat. मैं शायद ही ये करूं। Hardly I could do it. I could. Hardly I could do it. Hardly I could do it. तो चलिए शुरू करते हैं। So let's get started. ये बात अपने तक ही रखना।
कीप दिस टू यूर सेल्फ IRER, AR, UR आ की आवाज़ देता है, यू आर सेल्फ कीप दिस टू यूर सेल्फ टू यूर सेल्फ कीप दिस टू यूर सेल्फ वो कभी मेरा दोस्त था, ही वाज इट इज प्रोनाउंस्ड एज ही इज वंस माई फ्रेंड ये तो बहुत ही बुरा हुआ, दैट्स टू बैड अभी तक तो सब ठीक ठाक है, सोफा सो गुड मुझे इससे कोई हैरत नहीं हुई, दैट कम्स टू मी एज नो सरप्राइज वो ऐसा ही है, ही इज लाइक दैट मैं तो मरते मरते बचा, अनियली डाइड तुम्हें आज क्या हो गया है, वस गॉट इनटू यू नावाडेज सो उसके बाद हम कुछ वोकैबुलरी ऑफ डेली यूज़ करेंगे, तो उसमें से आज हमने ड्रेस आइटम्स सिलेक्ट किए हैं, कुछ हमने सिलेक्ट किए हैं, कुछ आप करके उनके करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ पोस्ट करेंगे। सो हेयर इज एन आइटम एंड हेयर इज़ द करेक्ट प्रोनंसिएशन, ट्राउज़र ट्राउज़ा, टर्बन ठाबन, कोट खाउट, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, स्कार्फ स्काफ, शर्ट शॉर्ट, सॉक्स सॉक्स, कैप कैप। सो ये थे ड्रेस आइटम्स। उसके बाद हमारी टेंस की सीरीज में आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है आज का इज आर और एम। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी हम यूज़ करेंगे, और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं इज आर और एम। आई के साथ एम यूज़ होता है, वी यू एंड दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर यूज़ होगा, और ही शी इट एंड सिंगल नेम के साथ इज यूज़ होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज़ ईटन एन एप्पल, ही इज़ ईटन एन एप्पल, ई ए टी आई एन जी, आई एन जी यहाँ पर आता है तो जी नॉर्मली नहीं पढ़ते। ही इज़ ईटन एन एप्पल। I'm going to school. You are listening to a song. Listen. You are listening to a song. Listen के साथ हमेशा to use करते हैं। You are. You are listening to a song. So अगर हमने इसके negative sentences बनाने हों तो helping verb के बाद not use करते हैं, और उसके बाद फिर first form of verb along with ing and subject. कुछ एग्जांपल्स हैं। शी इज़ नॉट होस्टिंग द फ्लैग, वो झंडा नहीं लहरा रही है। शी इज़ नॉट होस्टिंग द फ्लैग। आई एम नॉट रनिंग फास्ट। दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ, और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट। आर यू मेकिंग अ डायग्राम? इज शी डूइंग अ जॉब? एम आई डिस्पैचिंग द नोटिफिकेशन? डिस्पैचिंग फैलाना। सो उसके बाद कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। अबंडन छोड़ देना, एब्रीविएट मुख्तसर करना, एबेट एयानत करना, मदद करना, एबेट एब्रीविएट मुख्तसर करना, एबेट एयानत करना, एबॉलिश ख़त्म करना, एबोमिनेट नफ़रत करना, एबाउंड बढ़ाना, तादाद बढ़ा देना, एब्रिज मिलाना, एब्रोगेट मंसूख करना, एब्सकॉन्ड
फरार होना, और जो हम सुनते हैं ना फलाना एब्सकॉन्डर है, कानून का एब्सकॉन्डर मफरूर है, एब्सकॉन्ड फरार होना, एब्सटेन बाज रहना, एब्सटेन बाज रहना। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उसके बाद ये असाइनमेंट नंबर 4 है, 3 नहीं है, असाइनमेंट नंबर 4 है। असाइनमेंट नंबर 4 है कि हमें 20 सेंटेंसेस बनाने हैं आज की कंट्रैक्शन गारा को यूज़ करते हुए, और उसके बाद आज के जितने भी हमारे वर्ब्स आए हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, हर फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें एक सेंटेंस को बनाना है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रेस आइटम आपके याद होंगे, उनके करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ आप पोस्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के बारे में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, एम्बिग्विटी हो, क्वेश्चन हो, या कोई इनपुट हो, आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।